प्रिय साथियों जोहार नमस्कार जो हम आपसे लगातार चर्चा कर रहे थे उत्पाद सिपाही के बहाली को लेकर के आज के बाद से उत्पाद सिपाही की जितनी भी दौड़ है उसे तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त आदेश दिया है कि प्रातः नौ बजे के बाद किसी भी कीमत पर कोई दौड़ नहीं होगी और किसी का भी स्वास्थ्य जाँच के बिना दौड़ में शामिल नहीं कराया जाएगा मेडिकल कैंप गठन करने की बात कही है माननीय मुख्यमंत्री जी देर हो चुकी है और चिड़िया सारा खेत चुंग चुका है मात्र महज तीन से चार दिन का यह दौर बचा था उसके बीच यह दौर स्थगित हुई है इस दौर के स्थगित होने के बाद वैसे सफल छात्रों के मन में फिर सवाल आता है कि कहीं यह बहाली फिर से रुक तो नहीं जाएगी लेकिन मैं कहता हूँ देर आए दुरुस्त आए लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी आप कहाँ सोए थे आपको यह क्यों नहीं एहसास हो रहा था कि बिना मेडिकल कैंप के गठन के बिना किसी भी कीमत पर दौड़ नहीं कराई जानी चाहिए थी और इन तमाम लोगों की जो बीमार पड़े हैं सैकड़ों की संख्या में दर्जनों की संख्या में जो हमारे नौजवान साथियों का मौत हुआ है उसका जवाब आखिर देगा कौन उसके लिए आखिर जिम्मेवार है कौन इस बात को लेकर जिस बात को लेकर पलामू समेत पूरे प्रदेश के मीडिया अपनी आवाज उठा रहा था जहां हर एक नौजवान अपनी सरकार की ओर टकटकी तक लगाकर बैठा हुआ था आप आखिर अपने आग पर पति बांधकर धृत राष्ट्र की भूमिका में बैठे क्यों थे आज आपके ढीत राह की भूमिका में बैठने के कारण दर्जनों नौजवानों की हत्या हुई है दर्जनों नौजवानों ने अपनी जान गवाई है यदि यही निर्णय वक्त रहते ली गई होती तो आज न पलामू का अरुण गए होते न पलामू का दीपक बुझा होता न चियाकी में जो मौत का दौर हो रहा था वह दौर में किसी भी छात्रों की मौत होता शहीद लीलाम्बर पीताम्बर की पावन धरती से शहीद लीलाम्बर पीताम्बर की पावन धरा से मैं फिर कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी निर्णय को लेने से पहले आप एक बार उसका मूल्यांकन कर लें, क्योंकि इस प्रदेश के पदाधिकारी आपकी सत्ता को आपकी सरकार को नशनाबुद करने का प्रण ले चुका है हमेशा गलत निर्णय यहाँ के प्रशासन आपको लेने के लिए मजबूर करती है राज्य का प्रशासन आपके सरकार को बर्बाद करने का प्रण लिया है आज राज्य के ही इस प्रशासन के पदाधिकारियों के गलत निर्णय के कारण आज आपकी सरकार के ऊपर बदनामी का कलंक लगा है आप देर आए दुरुष्ट आए आप दर्जनों लोगों की जीवन के बचाने के लिए आपने जो निर्णय लिया है पलाम उपरमंडल के छात्रों के तरफ से इस राज्य के छात्रों के तरफ से मैं उसका स्वागत करता हूं लेकिन जो दौरे हैं जो सफल हुए हैं उनके मन में जो सवाल चल रहा है कि आखिर क्या फिर यह बहाली जो रुकी है जो स्थगित हुई है वह फिर पाँच वर्षों के लिए कहीं स्थगित ना हो जाए इस पर भी आपको बोलना होगा आपको आश्वस्त करना होगा जो दौरे हैं जो सफल हुए हैं उनके उस सफलता को आप मुकाम तक पहुंचाएंगे और इस उत्पाद सिपाही के बहाली को पूर्ण करेंगे इसी आशा और अपेक्षा के साथ इस शहीद लीलामर पीतामर के पावन धरा से माननीय मुख्यमंत्री जी आपको जो हार और आप सबक सीखिए अपने पदाधिकारियों से के ऊपर कई तेवर के साथ अपना नजर बनाए रखिए नहीं तो आपका बनताधार करने पर यह सरकार तुल चुकी है